नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। इटावा शासन के निर्देशों का इटावा में नहीं हो रहा है पालन। मिठाई विक्रेता मैन्युफैक्चरिंग एवं एक्सपायरी डेट के लेबल के बिना ही धड़ल्ले से बेच रहे हैं मिठाई। शिकायत मिलने पर खाद्य विभाग ने मिठाई एवं तेल की दुकानों पर छापा मारा। जहां तेल की दुकान से सैंपल लिए तो वहीं बिना टैग वाली मिठाई की दुकानों पर नोटिस देकर कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ा। शहर में त्यौहार पर कई दुकानों बिना टैग के पुरानी रखी हुई मिठाई बेचने का किया जा रहा है काम। दिवाली के त्यौहार पर आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो सके, इसके लिए शासन के द्वारा मिठाइयों पर उनके निर्माण एवं एक्सपायरी डेट के टैग लगाना अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस सब इसलिए हो रहा है ताकि त्यौहारों के मौसम में दुकानदार बासी और रखी हुई मिठाई ग्राहकों को न बेच सके, लेकिन इटावा शहर में ऐसा नहीं हो रहा है। खुल्लम खुल्ला निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शहर के कई प्रतिष्ठान बिना टैग के ही मिठाइयां बेच रहे हैं। शिकायत मिलने पर खाद्य विभाग केवल खाना पूर्ति करता नजर आ रहा है। आज भी ऐसा ही हुआ। शहर में खाद्य विभाग की टीम ने कई तेल और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति एवं नोटिस की बात कर टीम वापस लौट आई। मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। बाजार में कुछ तेल की शिकायत थी, सरसों के तेल का नमूना लिया गया। इसके पहले कल तक 19 नमूने लिए गए हैं, उसमें अधिकतर मिठाई के हैं, तेल के हैं और खोए का है, दूध का है। सभी चीज़ों का ध्यान में रख करके सैंपल लिया जा रहा है और सभी जगह से लिया जा रहा है। मिठाई की दुकान पर आए किस तरीके की आपने किया? मिठाई की दुकान चूँकि अभी नई नई खुली है, इसके यहाँ वो बेस्ट बिफोर और मैनुफैक्चरिंग डेट वाला टैग नहीं लगा हुआ है, इसलिए इनको एक नोटिस जारी किया गया है और इन्होंने लिखित में दिया है कि 24 घंटे के अंदर लगा देंगे, शाम तक लगा देंगे। कई सारी तुम्हारे शहर में बिना टैग की मिठाइयाँ बिक रही है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जिस तरह ये नई है, नई कह के बच रहे हैं, और भी दुकान है जो पुरानी है? नहीं, इसका अधिकतर दुकानों पर लगा हुआ है। अगर कहीं नहीं लगा हुआ है तो हमारे संज्ञान में आएगा, तो उनके खिलाफ नोटिस जारी की जाएगी। सिर्फ नोटिस की कार्रवाई है इसमें? फिलहाल नोटिस जारी होगी और हाँ, वही नोटिस जारी कर कार्रवाई करने। हाँ हाँ, साफ सफाई में जब कमी पाई गई तो नोटिस जारी किया गया है और 14 दिन के अंदर यदि उनके यहाँ मेंटेन नहीं किया जाता है तो मुकदमा दायर किया जाएगा यूनियन द्वारा।